हेलो, हाँ जी डॉक्टर, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते जी। भाई साहब, क्या हाल है? बस ठीक है जी। गुड़ी, आप तो बहुत पहले से बहुत अच्छी है जी। बिटिया का आराम है? हाँ जी, आराम है जी। चलिए चलिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज बताइए, अब उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है? डॉक्टर साहब, उसको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं है, तो अच्छा, ठीक है जी। बहुत हाँ जी, ठीक। अच्छा, एक चीज बताइए, हाँ ये जी। बेटी को जैसे आपको क्या बताया गया था कि क्या है इसको? आपको पता था कि बेटी को क्या है मेरे? नहीं डॉक्टर साहब, एक चीज का मुझे कुछ नहीं पता था। दरअसल ये बात हुई जिस टाइम ये लॉकडाउन लगा ना, मार्च के महीने में, तो उस टाइम गुड़िया की ना वैसे थोड़ा चेहरे से लग रहा था कि इसको कोई समस्या, क्योंकि रंग ना इसका थोड़ा काला सा पड़ रहा था और बार बार ये कह रही थी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो ये हमें ये प्रॉब्लम बता रही थी अपनी, तो हम सोचते चल वैसे क्या बता। वैसे तो इसको जब दर्द बढ़ गया ना बहुत ज्यादा, तो इसके बिल्कुल सेंटर में, पेट के सेंटर में इसको दर्द होना शुरू हो गया। तो थोड़ी देर मलते थे पेट इसका, तो कहते थे मेरा पेट मलते रहो, तो पेट इसका हाथ से मलते रहते थे। लेकिन इसको ना जब देखा कि तबीयत ज्यादा खराब हो रही है, तो हम इसको ना हॉस्पिटल ले जा नहीं सकते थे, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम में हाँ, अब ज्यादा वो नहीं हो सकता था। हाँ ज्यादा ये हुआ, कब तो की हम बात इसको है? ये लोकल, कब की बात है? ये मार्च के महीने की है, मार्च की जब मार्च लॉकडाउन मार्च लगा था में, ना। ठीक है। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। तो फिर जी हमने इसको लोकल यहाँ थोड़ा पता करके, किसी डॉक्टर से बातचीत करके, पड़ोस में एक क्लिनिक था वहां पे ले कहाँ गए पे पता किए थे ये आपका? जी। हाँ, मतलब मैं बोल रहा पूरा हूँ जी, लोकेशन क्या है? आप पूरा जरा सा हमने, एड्रेस बताइए। हाँ जी मैं बताता हूँ जी आपको। नाम मेरा हरविंदर है जी, गुड़िया का नाम था समरदीप। तो लोकेशन है हमारी, डिस्ट्रिक्ट पड़ता है अम्बाला, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला में, हरियाणा में, नारायणगढ़ हरियाणा, पड़ता है एरिया, नारायणगढ़। नारायणगढ़। अच्छा जी जी भाई हाँ साहब जी, जी। तो हाँ यहाँ पर नारायणगढ़ में हम एक डॉक्टर जी क्लिनिक है कुछ छोटा सा यहाँ पे हमारे पड़ोस में ही, तो हमने थोड़ा सा तो वहां पे गुड़िया को चेक कराया। तो जब उसको चेक करवाया डॉक्टर साहब, तो उन्होंने ना कह रहे भी इसको ना भी पेट में ना थोड़ी तो थोड़ी आंतों में गांठ डिप, बताया। पहले तो उन्होंने डिप लगा दी इसको, अच्छा, ड्रिप लगा डिप दी। लगा दी, डिप लगा दी इसको, डिप लगा के उन्होंने मेरे को मतलब कि एलोपैथिक दवाई दी। जैसे एलोपैथिक दवाई जब उन्होंने मेरे को जो सी दी उन्होंने, तो वो ऐसी दवाई देती मतलब कि इसको नींद आ जाती लड़की गुड़िया को बहुत। जैसे मैं उसको घर लेके आता था, इसको नींद आ जाती थी बहुत। तो जब नींद उठती थी तो कहती मुझे फिर दोबारा दर्द हो रहा है, तो दोबारा फिर हम लोग इसको क्लिनिक पे ले जाते थे, वहां दोबारा फिर डिप लगाते थे वो गुड़िया को। अच्छा। तो ऐसे ही मैं 2-3 दिन लगातार लेके जाता था, गुड़िया को कोई फर्क नहीं पड़ा बिल्कुल भी। तो काफी परेशान थे, फिर तो मेरी अपना जो वाइफ है मेरी, उसने यूट्यूब पे देखा आपके बारे में, जी। तो उन्होंने देख के आपका नंबर लिया। तो मेरे को अच्छा बोला कि यार डॉक्टर साहब से संपर्क करो, तो अच्छा डॉक्टर साहब शायद हमारा हाल निकालेंगे। उन्होंने आपकी ऐड देखी है हमने यूट्यूब पे, तो अच्छा, वो मान जो लीजिए ऐड, हाँ जी YouTube पर हाँ जी, हमारे हमारे मतलब कैसे आपको ये लगा कि नहीं, डॉक्टर साहब हल निकालेंगे? मेरी बातें आपको अच्छी लगी या आपको मेरे बिहेवियर हाव भाव से कैसे आपको देखो लगा? जी, सबसे पहले तो यूट्यूब पे हमने आपका वीडियो देखा, उसमें आपने गुड़िया थी कोई छोटी, 9th 10th मंथ साल की थी कोई, तो उसको आपने उसका ट्रीटमेंट किया था इसका मिसेंटिक नोट्स वाला। तो उसकी वो एड देख के मेरी वाइफ ने कहा भी ये डॉक्टर साहब है, तो आप इनको रोको। क्योंकि ना जब वो डॉक्टर साहब के हम पास गए, तो उन्होंने हमें अल्ट्रासाउंड के लिए बोला, जिसके पास हम लोकल गए थे ना, तो उन्होंने जैसे 2-3 दिन उसका ट्रीटमेंट किया, आराम तो पड़ा नहीं। फिर लास्ट में उन्होंने तीसरे दिन हमें कहा कि आप इसका अल्ट्रासाउंड कराओ लड़की का, गुड़िया अपनी का। तो गुड़िया का जब अल्ट्रासाउंड करवाने पे हमें उन्होंने बताया कि इसको 8 mm की मतलब मिसेंट्रिक मिसेंटिक मिसेंट्रिक नोट, है। हाँ जी, वो प्रॉब्लम है इसकी, जो गांठ बनी है ना सिर में, गांठे गांठ बनी है। फिर अच्छा वो हमें अच्छा कहने लगे ये गांठ टीबी भी हो सकती है, या आप इसका टेस्ट करवाओ। माने आप कुल मिला तो बोले के बहुत हाँ जी, मतलब परेशान हो गए कि अब मैं क्या हाँ जी, करूं? बहुत बहुत परेशान हो गए थे। हाँ दवाएं खिलाते जी, थे तो आपको जो है, जब तक दवा का असर रहता तो सो जाती थी, थोड़ा नशा टाइप का हो जाता था, और हाँ लेकिन जी, हाँ दर्द जी, में करे मतलब आराम नहीं मिलता था। देखो डॉक्टर साहब ऐसा ना, जिस टाइम उसको दवाई खाती थी वो सो जाती थी, लेकिन जब वो दोबारा उठती थी रात के टाइम, जैसे उसकी आंख खुलती रात के टाइम, तो उसको उसी टाइम पेन स्टार्ट हो जाता था उसका। तो रात को फिर हमें उठ के उसका पेट मलना पड़ता था हाथ के साथ, तो बहुत परेशान थे डॉक्टर बच्ची साहब की उसका। उम्र वो आपकी कितनी कितने साल की है? है जी 9 ईयर की है। 9 ईयर की है। चलिए हाँ जी, चलिए, देखिए हरविंदर जी, कुल मिला के हम यही कहेंगे कि ये मिसेंट्रिक लिम्फेडिनोपैथी जो होता है, जो बच्ची के जो बच्चों के
आंतों में मतलब ये समस्या हो जाती है। बहुत ही मतलब एक तरह से देखा जाए तो बच्चों के लिए एक बहुत ही खतरनाक है, होता तो किसी में भी हो सकता है लेकिन बच्चों में ज्यादा होता है। तो हाँ जी इसका इलाज समझ लीजिए कि देखा जाए तो होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा है, जैसा कि आपके साथ हुआ है। और चलिए अब आप बहुत ठीक हैं। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे मान लीजिए कि हमारे बारे में आपको जानकारी हुई तो फिर कैसे मतलब क्या हुआ, थोड़ी पूरी बात बताएं। सब ऐसा है, यूट्यूब पे हमने जब इसका कोई हल नहीं निकला ना, तो पेट की इसका हमने उसपे अल्ट्रासाउंड पे आ गया कि इसको ये प्रॉब्लम है, ये सेंटिक वाली प्रॉब्लम है। तो हमने यूट्यूब पे सर्च किया, फिर सर्च करने में जब आपके आपके बारे में हमें पता लगा, मेरी वाइफ को, उन्होंने मुझे आपका नंबर उसमें से देख के उनका जी आप ना डॉक्टर साहब से संपर्क करो। तो फिर मैंने आपको कॉल की, तो जैसे ही मैंने आपको कॉल किया आपने तुरंत हमारा फोन रिसीव किया, अच्छा आपसे बातचीत हुई, आपने हमें थोड़ा सा इसके बारे में हमने आपको सारी बातचीत बताई कि हमारी गुड़िया को ये प्रॉब्लम है। तो आपने कहा कि ऐसा है भी, आपको मैं दो मेडिसिन बताता हूँ, आप लोकल वहां से जो होम्योपैथी की कोई स्टोर है वहां से जाके ले ले लीजिए, तो आपकी गुड़िया को उससे थोड़ा थोड़ा आराम आराम मिल लगना जाएगा। शुरू हो हाँ जाए। हाँ हाँ फिर जी दवा भी आराम मिलना शुरू हो जाएगा, मैंने कहा होगा। और हाँ बाकी जी फिर दवा। बिल्कुल। हाँ तो फिर दो दो जो आपने हमें मेडिसिन बताई वो हमने लोकल यहाँ से ली, और जैसे ही मैंने अपनी गुड़िया को दी ना वो, तो ठीक 2-3 घंटे तक उसका जो पेन था उसमें रिलीफ मिलना शुरू हो गया उसको। अच्छा हाँ जी, तो जैसे ही मैं उसको पूरा दिन भर दी और शाम तक वो बिल्कुल उसका दर्द वो पेट का बिल्कुल रुक चुका था बिल्कुल ही। अच्छा वो रुकने के बाद फिर मैंने आपसे मेडिसिन मंगाई अपनी गुड़िया के लिए, आपने मेडिसिन भेजी हमारे पास, 8-10 दिन में मेडिसिन पहुंची यहाँ पे। वो मेडिसिन देने के बाद धीरे धीरे मतलब की जो मेरी गुड़िया थी उसकी जो प्रॉब्लम थी, जो कब्ज वाली और जिसको पेट में दर्द था, वो सारी तकलीफ उसकी दूर धीरे धीरे होती गई, और जो मेरी गुड़िया था उसका चेहरे में भी फर्क पड़ गया, जैसे उसका चेहरा शरीर कमजोर हो रहा था, चेहरे पे कालापन आ गया था, वो सर चीज उसकी धीरे धीरे वो सारी ठीक होती गई। तो हमें तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब वहीं से आइडिया लग गया था कि जो ये डॉक्टर साहब की मेडिसिन है ये हमारी गुड़िया के लिए रामबाण काम कर मतलब रही कुल है मिला बिल्कुल। के आपको जब दवा बताई गई फोन से, उससे आपको तुरंत रिस्पांस मिला, आपको भरोसा हो। हाँ देखिए जी विशेंद्र हरविंदर जी, मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज बताना चाहूंगा कि जो लोग हाँ कहते जी हैं कि होम्योपैथी धीरे धीरे काम करती है, ये हाँ बिल्कुल जी गलत है। ये तब है हाँ जब जी दवा सही से सिलेक्ट ना हो। और किसी भी ठीक है केस डॉक्टर में साहब। अगर दवा का सही से सिलेक्शन हो जाए तो हाँ आपकी जी गुड़िया को जैसे रिलीफ मिला वैसे हर पेशेंट को मिल सकता है। बस क्या है कि अगर कहीं फेल्योर हो रही है तो इसमें टोटल फेल्योरिटी हमारे सिलेक्शन की है, न कि दवा का है। बिल्कुल दवा अगर सही से बिल्कुल सिलेक्ट हो जाए तो ऐसे ही चमत्कार होता है। अब देखिए हमें बिल्कुल हम लोग जैसे स्टोन के पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे आपके में सेंट्री का हुआ, तो जहाँ हाँ एक्यूट जी इमरजेंसी की बात आती है वहां पे हम लोग जब दवा चलाते हैं भाई साहब, ऐसे तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है जैसे आप कह रहे हैं, तो बहुत खुशी होती है। और सचमुच में होम्योपैथी अपने वास्तविक रूप से में जितना ये वर्क कर रही है, और आप लोगों की जो मतलब इतना स्नेह प्यार मतलब खास तौर से हमारे सेवा को, कल्याणम सेवा को मिल रहा है, ये सचमुच में हमारे लिए बहुत ही मतलब गौरव का विषय है। मैं बहुत ही अपने आप को धन्य समझता हूँ। और आप देखिए आप हरियाणा में हैं, मैं लखनऊ हाँ में हूँ, जी और हाँ कैसे जी आपका इतना मेरे ऊपर भरोसा हुआ। अच्छा इसके बाद हमने दवा आपको कितनी बार भिजवाई होगी, कितने? डॉक्टर साहब ऐसे हैं, जैसे हमने जो एलोपैथी पहले हम दवाई लेते रहे, जब मैंने आपको बात बताई, लोग 3 दिन मैं डेली क्लिनिक पे जाता रहा उनके पास, कोई आराम नहीं मिला। उसके बाद जैसे आपकी मेडिसिन 10-12 दिन 10 दिन में हमारे पास पहुंच गई थी यहाँ पे, वो दवाई पहुंचने के बाद तुरंत मैंने आपको, जैसे हमने आपको बताया कि कुछ 10-12 दिन में ही गुड़िया एकदम मेरी चेहरे पर उसके मतलब दस निखार, बारह मेरी दिन में चेहरा उसको रिलीव पूरी तरह हो गया। और मैंने देखिए पूरा बताया बिल्कुल होगा कि एक आध महीना दवा चलानी पड़ेगी, 2-3 से 3 महीना। तो बिल्कुल। अब आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है? डॉक्टर साहब गुड़िया मेरी एकदम बिल्कुल ठीक है जी इस टाइम, और भगवान की कृपा से और आपकी कृपा से बिल्कुल मेरी उसका जो गुड़िया उसका बिल्कुल वेट भी एकदम। कुछ हाँ बढ़ जी गया होगा? हाँ जी वेट भी बढ़ गया जी उसका, तो वेट भी देखिए बढ़ गया जी, पहले देखिए तो अब तक तो बहुत फर्क है। हाँ तो देखिए ऐसा है कि अगर मिसेंट्री की जब प्रॉब्लम होती है तो बच्चों हाँ का जी चाहे किसी का भी जो फिजिकल ग्रोथ रुक जाता है, इसलिए कि हाँ जी एक इस तरह से जैसे खास तौर से एलोपैथी में इसको कहते हैं टीबी हो गई, तो टीबी हाँ की जी दवाएं चलाते हैं लोग, लेकिन टीबी नहीं होता है भाई। हाँ देखिए जी वो मिसेंट्रिक की नॉट्स हैं, गांठें हैं, तो दैट इज नॉट मैलिग्नेंट। वो टीबी ट्यूबरकुलर, सॉरी वो ट्यूबरकुलर नहीं होता है।
लेकिन अब उसमें टीबी की अगर दवा चलाई जाएगी तो टीबी जो है अब कैसे ठीक होगा पेशेंट को, बच्चों को? जैसे आप दवा देते थे तो बेहोश हो जाती थी, सुस्त हो जाती थी, तो उस तरह की हार्ड दवाएं अगर दी जाएंगी तो सुस्त हो जाएगी। लेकिन होम्योपैथी में क्या होता है कि उस गांठ के लिए प्रॉपर दवाएं हैं, और आप लोगों के इसी तरह से उससे जो है आज देखिए कम से कम बहुत मरीज हैं जो आज पूरी तरह से संतुष्ट हो गए हैं, समझ लीजिए रविंदर जी। आप लोगों को ठीक करने के बाद एक संबल मिलता है अपने आप को। हाँ जी डॉक्टर साहब, ऐसा जैसे उसको ये दिक्कत स्टार्ट हुई थी ना स्टार्टिंग में, तो वो पानी पीती थी उसी उल्टी कर देती थी वो। अच्छा अच्छा। हाँ जी, मुझे कुछ खाती थी तो कुछ पानी निकालती थी सब कुछ। तो और जी अब आपने थोड़ा सा मेडिसिन के बारे में पूछा था कि मैंने आपको कितनी बार, तो मैंने आपसे डॉक्टर सिर्फ दो मंथ के लिए दो बार मैंने आपसे मेडिसिन मंगवाई है। दो महीने केवल दवा मेरी चली है ना। हाँ जी। और आज आपकी बिल्कुल ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। दो महीने बाद मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था नैंगढ़ से। अच्छा अच्छा। तो उसकी मैंने आप लोग उसकी फोटो कॉपी मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड की थी। आपने किया था? तो बिल्कुल बिल्कुल मेरी जो वो प्रॉब्लम थी बिल्कुल नोड वाली, तो वो एकदम बिल्कुल क्लियर थी। अच्छा, उसमें एकदम नॉर्मल दिखा दिया ना? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल क्लियर। तो डॉक्टर साहब जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था वो भी इस चीज को देखकर हैरान थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी गुड़िया खाना खुना ठीक खा रही है? मैं जी बहुत बढ़िया खा रही है जी। अब तो बेटी से बात करा देंगे? गुड़िया मैं एक मिनट बताता हूँ, डॉक्टर साहब फोन कीजिए, कराइए कराइए, बेटी से बात करें। हेलो हेलो हेलो। हाँ हाँ जी डॉक्टर साहब, गुड़िया आ गई जी, आप बात कीजिए। दे दीजिए दे दीजिए। हेलो। हाँ बेटी कैसी हैं? नमस्ते नमस्ते। अब मेरी बेटी कैसी है भाई? ठीक हो? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस खाना खा के आती हूं। अच्छा, खाना खा लिया? वेरी गुड। अच्छा अच्छा बेटी, एक चीज बताइए, देखिए आप बेटी हैं और जानते हैं आपको, आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अब बताइए आपको पेट में बेटा किसी तरह की कोई परेशानी, किसी तरह की कोई दिक्कत? बिल्कुल ठीक है आप? अच्छा, पेट सुबह क्लियर हो जाता है? पहले दर्द होता था, कुछ खा नहीं पाती थी, उल्टी हो जाती थी, बहुत परेशान रहती थी। अब बिल्कुल ठीक है? चलिए चलिए ठीक है बेटा। फिर भी देखिएगा, एक आपसे बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा आप जैसे फास्ट फूड वगैरह जैसे उस तरह की बाहर की चीजें खाने की कोशिश में, हाँ कभी कभार खा लीजिएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जो है ज्यादा मत खाने की कोशिश करिएगा, ठीक ना? ये अच्छा, कुछ दिन और परहेज कर देंगी तो फिर आपको बिल्कुल बिल्कुल ही कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना? हाँ चलिए, अपना नाम बता दीजिए प्यारा सा। समरदीप। समरदीप किस क्लास में पढ़ती है? मैं फोर्थ। फोर्थ में। चलिए, पापा ने देखिए कितना मेहनत किया आपके लिए, अच्छे से वो करके आपको दवाओं की, हम लोगों ने दवा भेजा, आप ठीक हो गई, और ईश्वर को गॉड को थैंक कर दीजिए कि गॉड जो है आप मुझे ठीक कर दिए, है ना? अरे वाह वाह, क्या मेरी बेटी कितनी अच्छी है। ठीक है बेटी, माहौल थोड़ा सही हो जाएगा, लॉकडाउन वगैरह सही हो जाएगा तो हम लोग मुलाकात भी करेंगे आपसे, ठीक है? मैं भी आपसे मिलने आऊंगी। ठीक है बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। पापा को दे दीजिए फोन। हाँ जी सर। ठीक है भाई साहब, बहुत अच्छा। चलिए आप लोग देखिए ऐसे ही विश्वास बना रखें। देखो हमारी गुड़िया एकदम बिल्कुल फिट है, मुझे बहुत खुशी है इस बात की। नहीं भाई साहब, देखिए आप लोग को ठीक करके, जब इतना ज्यादा अटूट श्रद्धा विश्वास आप लोग रखते हैं ना,
तो सचमुच में मुझे भी काम करने का जो मतलब लेवल होता है ना, वो बहुत हाई हो जाता। बिल्कुल दिन भर काम करता था, फिर भी देखिए इतनी दुआएं मिलती है। अब सोचिए आप, हरियाणा है कोई कहाँ से, भाई साहब बता रहा हूँ कि फिनलैंड से, सिंगापुर से, सऊदी से, कहाँ कहाँ से, इंडिया में तो छोड़ दीजिए। लोग फोन करते हैं, दवा भेजते हैं, लोग कहते हैं सर आराम हो गया, कैसी कैसी बीमारियां। तो भाई साहब बहुत अच्छा लगता है रियली में। बस आप लोग ऐसे ही विश्वास बनाए रखिए, मैं पूरी सेवा करूंगा आप लोगों की पूरी तरह हाँ जी से। बिल्कुल डॉक्टर साहब, और कभी भी कोई बात डॉक्टर साहब होगी हमें तो तो पूरा तुरंत विश्वास है। देखो जी बताइएगा। हमें तो, हेलो जी जी बोलिए। डॉक्टर साहब हमें तो आपके ऊपर पूरा विश्वास है जी। चलिए चलिए भाई मुझे साहब। तो, हाँ जी मुझे विश्वास है जी आपके ऊपर। सबसे बड़ी बात तो विश्वास की ये होती है, देखो जितनी बार आपको दुखी घड़ी में फोन किया हमने, हमने हाँ हमारी कॉल रिसीव की, भाई साहब, नहीं देखिए तो मेरा डॉक्टर लोग तो कोई, किसी से बात भी नहीं करते इतनी जल्दी। मैं एक ऐसा कोशिश करता हूँ भाई साहब कि मैं हर पेशेंटों को का मतलब कॉल खुद उठाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कि किस पोजीशन में पेशेंट है, मेरी किसी बात से उसको भला हो जाए। तो देखिए मैं बहुत वर्क करता हूँ, फिर भी भाई साहब देखते हैं बहुत किस, कोई कोई मरीज हमारे ऊपर जिसे थोड़ा गुस्सा भी हो जाता, डॉक्टर साहब देख लीजिए आप बात, हम कहते भाई बीच में अगर किसी को इमरजेंसी आ जाए, 2 मिनट बात कर लिए तो उसका भला हो जाए, तो क्या दिक्कत है। तो हम भाई साहब फिर भी हम अपना ट्रैक नहीं चेंज करते, हमको पता नहीं क्यों सेवा में बहुत आनंद आता है, ये जान लीजिए। ये अच्छी बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है बहुत जी। कोशिश करता हूँ, बाकी कभी कोई गलती हो जाए, कभी फोन ऑन ना उठे, कभी कोई हो, तो आप लोग जो है ये समझिएगा कि हम कहीं व्यस्त थे, कोई इस तरह का इंटेंशन नहीं है। और बाकी कभी भी किसी मोड़ पर याद करिएगा, मैं हमेशा आपके साथ जी हूँ, डॉक्टर ठीक साहब ना। मैं एक चीज चाहता हूँ आपसे, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हम मेरी गुड़िया ठीक हुई है ना, तो जी एक रिकॉर्ड के तौर पे आप हम मेरा मोबाइल नंबर और मेरा एड्रेस एक अपना रिकॉर्ड में जोड़िए, अपने जो भी आपका रिकॉर्ड है ना उसके अंदर। चलिए, अपना नंबर आप जरा सा बोल दीजिए। हाँ मेरा नंबर है 9354787800001। ठीक है, कोई और नंबर एक। नंबर एक और है 7015836521। हाँ, चलिए। तो आप औरों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि मतलब मेरे इलाज के बारे में, होम्योपैथी के बारे में, आप मतलब औरों को क्या, जैसे आप जैसे मतलब मिसेंट्रिक के खास तौर से अगर हम बात करें, जिसको आंतों में देखो गांठें जी हो जाती हैं, उसके लिए डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे। साहब, मिस सेंटिंग के बारे में तो मैं आपसे ये सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो मेडिसिन आपके पास है ना, वो इसके लिए मिस सेंटिंग के लिए तो रामबाण है ये, वो मेडिसिन जो आपकी जो मेडिसिन है होम्योपैथिक, इससे ऊपर मुझे नहीं लगता शायद एलोपैथी में कोई इलाज होगा इसका। नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए, और चलिए आप, अगर आपका इस तरह प्यार है, जो भी मुझसे जुड़ेगा, जो भी अपने इस तरह के सेवा का मुझे अवसर मिलेगा, मैं आप ही जैसा और सेवा करूंगा। और इस तरह से भाई साहब अपने चैनल पे बहुत ऐसे पेशेंट हैं जिनकी आप ही जैसे मतलब वो मिला है, तो उनके बारे में मतलब हमारे चैनल पे देखा भी जा सकता है, और सचमुच में बहुत आनंद होता। हम चाहते हैं कि किसी भी चीज को सही चीज परोसा जाए, उसमें वो ना हो। और सबसे बड़ी चीज क्या होता है कि जब आपको ठीक करेंगे तो आपसे मुझे खुद कॉन्फिडेंस मिलेगा, और ये कॉन्फिडेंस हमारे और लोगों को जो इससे ग्रस्त हो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, उनको भी एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। जब आदमी को बीमारी बिल्कुल होती है और किसी को लगता है कि ये हम यहाँ ठीक हो जाएंगे, तो उससे बड़ा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बिल्कुल और यही बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये कॉन्फिडेंस बात तो बीमारी है। को ठीक करने में चली होगा। तो चलिए, बजरंगबली की कृपा से आप स्वस्थ हो गए, आपकी बिटिया जो है स्वस्थ हो गई, और आप हाँ जी संतुष्ट हो गए, और यही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मैं भी समझा कि मैं एक चिकित्सक होने का मेरा धर्म जो है मतलब सार्थक हो गया। चलिए, आपका जो है, आपकी रात जो है मंगलमय हो, आप जो है, आपकी जो है परिवार सुरक्षित रहे, कभी कोई दिक्कत हो मुझे बताइएगा, ठीक है। ठीक बिल्कुल बिल्कुल है, डॉक्टर साहब, देखो खुशी हुई मुझे आपसे जो आपने ये कार्य किया ना मेरे लिए, ये तो बहुत ही बड़ा आपने मेरे लिए कार्य किया ये नहीं वाला। नहीं चलिए चलिए भाई साहब, हाँ जी बहुत देखो बढ़िया। मैंने बहुत दुख में देखा अपनी गुड़िया को 3-4 दिन। जी जी भाई साहब जी, अरे हाँ बच्चे जी देखिए, किसी के भी बच्चे जब दुखी होते हैं तो सोचिए कि बिल्कुल क्या होता है, ये लगता है कि कैसे ठीक हो जा। और नहीं, जिस भाव से आपने मुझे वो किया, उसी भाव से ईश्वर ने मतलब मुझे एक
उस समय ऑन स्पॉट मतलब बुद्धि दे दी, मैंने वो दवा बता दी, आपको सही हो गया। तो ऐसे ही भगवान हमारे ऊपर कृपा बनाए रहे बस। ठीक है भाई साहब, ओके भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जी आपने हमारी कॉल भी रिसीव करी, हमें मेडिसिन भी बताई।